गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन। तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन बनता कैसे है, इसमें टोटल फोर प्रोसेस फॉलो होता है, सुपर सेचुरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूक्लिएशन एंड एग्रीगेशन। सुपर सेचुरेशन से हम लोग क्या समझते हैं, यूरिन में किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व करके रखने की एक कैपेसिटी है, और अगर उस कैपेसिटी से भी ज़्यादा अगर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो वो अब डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रह पाएगा, और इस कंडीशन में हम लोग यूरिन का क्या बोलेंगे, सेचुरेशन हो चुका है उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो बेसिकली सेचुरेशन होने के बाद भी हमें यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब सेचुरेशन तो हो चुका है लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यूरिन में वेरियस क्रिस्टल इनहिबिटर प्रेजेंट रहता है ना, क्रिस्टल को नहीं बनने देते, जैसे कि हमारा साइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद भी उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का हम लोगों ने यूरिन में जो कंसंट्रेशन उसको बढ़ाया तो यूरिन अब सुपर सेचुरेट हो गया, और वहाँ पे हमें सबसे पहला क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जो फर्स्ट क्रिस्टल हमें देखने के लिए मिला इस फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, सुपर सेचुरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूक्लिएशन। अब इस तरह पूरे यूरिन में बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेगा और एक दूसरे के साथ क्लंपिंग और एग्रीगेशन करना स्टार्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, एग्रीगेशन। और इस तरह से फिर हमें ये प्रोसेस जो है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू जो अपना साइज है, जो अपना डायमेंशन है, उसको इंक्रीज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और फाइनली हम लोग को एक रीनल कैलिकुलाई मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ रीनल कैलिकुलाई आर फॉर्म। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना है, क्या पहले सुपर सेचुरेशन होता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है, एंड द फर्स्ट फेज ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, और फिर ये वेरियस क्रिस्टल जो है न्यूक्लियाई, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्लम्प करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करते हैं और बड़ा स्टोन बनाते हैं, जिसको कि हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 स्टोन लिख रखा है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिसको कि हम लोग स्ट्रोवाइड भी बोलते हैं, यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन। तो इन सब में क्या हो रहा होगा, या तो हम लोग यूरिन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, यूरिन में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, या तो इसका इंटेक हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में दिक्कत हो रहा है, या फिर किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा और इसको सफिशिएंटली वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है। इसी दोनों कंडीशन में जो हमारे टिब्यूल्स है वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, यूरिन सुपर सेचुरेटेड होगा और हमें यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको भी वेरियस एटियोलॉजी बताऊंगा, और सारे एटियोलॉजी में आपको यही पे ध्यान रखना है क्या वहाँ पे किसका अमाउंट बढ़ रहा है, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, सिस्टीन का अमाउंट बढ़ रहा है, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ रहा है, ऑक्सलेट का अमाउंट बढ़ रहा है, या जेंथिन का अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि जेंथिन स्टोन भी होता है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एटियोलॉजी को देखते हैं। तो आपके बुक में टोटल 7 कंडीशन दे रखा है एटियोलॉजी में। फर्स्ट 2 कंडीशन इज रिलेटेड टू कैल्शियम, इसमें जो कैल्शियम का लेवल है हमें ब्लड में या फिर यूरिन में इंक्रीज कराना है। तो चलिए फर्स्ट 2 पॉइंट को देखते हैं, दैट इज़ इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियसिस एंड हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर। इडियोपैथिक मतलब पता ही नहीं है क्यों कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन में होगा। अगर आप सीरम कैल्शियम को इवेल्युएट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सीरम कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रॉक्स 70% ऑफ पेशेंट विद यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, एंड इट ऑफन को एग्जिस्ट विद हाइपर ऑक्सिलूरिया, हाइपर यूरिकोसोयूरिया एंड RTA, दैट इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। साथ में इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियसिस के साथ में ये तीनों कंडीशन भी आपको साथ में देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में भी हम लोग फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो नाम ही इडियोपैथिक मतलब अनएक्सप्लेन, पता ही नहीं है क्यों वो हमें हाइपर कैल्शियूरिया देखने के लिए मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर, तो यहाँ पे वर्ड इडियोपैथिक नहीं है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से यहाँ हाइपर कैल्शियमिया हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पाराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा, या तो फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड में जो चीफ सेल होता है उसका हाइपरप्लेशिया हमें देखने के लिए मिलेगा, इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर पाराथायरॉयडिज्म। नाम से सारा कुछ क्लियर हो रहा है, प्राइमरी हाइपर पाराथायरॉयडिज्म, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, पाराथायरॉयड ग्लैंड में या फिर चीफ सेल में। तो चीफ सेल का काम क्या होता है, PTH का सेक्रीशन करना। तो PTH का यहाँ पे सेक्रीशन हमें देखने के लिए मिलेगा, ये PTH किडनी के पास जाएगा और 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करा देगा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। अगर एक बार 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन गया तो ये वेरियस जगह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, जैसे कि GIT, रीनल टिब्यूल्स एंड बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, और सार्कोइडोसिस में क्या होता है, सार्कोइडोसिस में हमें नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलेगा देखने के लिए, जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल का प्रोडक्शन कराएगा, और फिर से हमें कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा।
प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, आदमी बहुत दिन से चल फिर नहीं रहा, तो वहाँ पे हमें बोन रिजॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। इस वजह से हमें यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सी यूरिया देखने के लिए मिलता है। अदर कंडीशन डिसेमिनेटेड न्योप्लास्टिक डिजीज, कसिंग डिजीज एंड हाइपर थायरॉयडिज्म, और साथ में मिल्क अल्कली सिंड्रोम भी आपके बुक में लिख रखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन सब कंडीशन में अभी आपको क्या पता चला, क्या जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है ना, चाहे वो इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियसिस हो या फिर हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर हो। तो यहाँ पे या तो हमें कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, या तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट, डिपेंड करता है कि कैल्शियम के साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सिलेट प्रेजेंट है या फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 3 में मैं फिर से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराऊंगा और पॉइंट नंबर 4 में मैं ऑक्सिलेट और जेंथिन का लेवल इंक्रीज कराऊंगा। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑक्सिलेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है और जेंथिन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कैसे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्म होता है। तो बेसिकली एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें क्या होता है ना, DCT में जो HKATPS पंप है ये काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इस वजह से हमें जो H+ का सेक्रेशन ट्यूबुल्स में होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। लेकिन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू कैल्शियम, साथ में यहाँ पे डिफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है पारा सेलुलर कैल्शियम ट्रांसपोर्ट में। तो अगर डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा तो इस वजह से जो कैल्शियम का लेवल वो ट्यूबुल्स में इंक्रीज होगा और हमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। Type 1 RTA इज़ मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड RTA एंड इट इज़ मोस्ट सीवियर RTA, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टिनूरिया अंडर हेडिंग ऑफ रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम, तो यहाँ पर हमें इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल अमाइनो एसिड। कोल अमाइनो एसिड से हम लोग क्या समझते हैं, सिस्टीन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। ये सारा अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स और GIT में, इस वजह से भी हमें स्टोन फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं एंजाइम डिसऑर्डर में, एंजाइम डिसऑर्डर में या तो प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया यानी कि जो ऑक्सिलेट का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें कहीं ना कहीं कोई एंजाइम में डिफेक्ट आया, या फिर जो जेंथिन से रिलेटेड एंजाइम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए आया। तो प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया या तो Type 1 हो सकता है या तो Type 2 हो सकता है। Type 1 में जो हमें एंजाइम का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है दैट इज़ एलनिन ग्लाइकोक्साइलेट अमाइनो ट्रांसफरेज, और Type 2 में डी ग्लाइसरेट डिहाइड्रोजिनेज में प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। इसके वजह से जो इंडोजनस ऑक्सिलेट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट जेंथिन यूरिया, जेंथिन का लेवल यूरिन में क्यों बढ़ेगा, या तो जो जेंथिन को ऑक्सीडाइज करने वाला एंजाइम है वो बचपन से ही एबसेंट हो दैट इज इनहेरिटेड डिफिशियंसी, या फिर हम लोग कोई ड्रग्स दे रहे हैं जिसके वजह से जेंथिन ऑक्सीडाइज इनहिबिट हो जा रहा है, उस वजह से जेंथिन का लेवल यूरिन में बढ़ेगा और हम लोग क्या बोलेंगे, जेंथिन यूरिया। तो एलोप्यूरिनॉल अगर क्वेश्चन में गॉट पेशेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के वहाँ पर हमें जेंथिन क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेट इंटिटी दैट इज यूरिक एसिड लिथियसिस, मतलब यूरिक एसिड का कंसेंट्रेशन यूरिन में बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, या तो यूरिक एसिड प्रिकर्सर हम लोग ज़्यादा ले डाइट में, या फिर यूरिक एसिड का तो लेवल नॉर्मल है लेकिन जो pH है उसको हम लोग बहुत कम कर दें, ठीक है ना। तो अगर pH हम लोग बहुत कम कर देंगे यूरिन का तो अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन भी है यूरिक एसिड का फिर भी वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो यही दो कंडीशन होता है जिसे कि हम लोग को यूरिक एसिड लिथियासिस देखने के लिए मिलता है। तो प्रिकर्सर में हम लोग क्या क्या बढ़ा सकते हैं, डाइट्री प्यूरिन इंटेक बढ़ा दे, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दे, या तो मायोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर है या फिर पेशेंट कीमोथेरेपी पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर यूरिक एसिड लिथियसिस। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में ज्योग्राफी है, क्लाइमेट एंड सीजन है, वाटर इंटेक है, मिनिमम 1.2 लीटर पर डे वाटर इंटेक करना चाहिए, अगर इससे कम करते हैं तो ये प्रीडिस्पोज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन फॉर्मेशन के लिए। डाइट एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में सिडेंटरी जॉब इन हॉट इन्वायरमेंट इज प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, दैट इज सेकेंडरी यूरोलिथियसिस। तो यहाँ पे मैंने सेकेंडरी वर्ड लिखा है ना, सेकेंडरी यूरोलिथियसिस का मतलब क्या है, हमें यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरो है ना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लिथियसिस मतलब स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन देखने के लिए मिल रहा है वो सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी टू सम डिजीज, कोई डिजीज प्रोसेस है या फिर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी, इस वजह से हमें यहाँ पे स्टोन देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या क्या पैथोलॉजी हो सकता है, या तो पेशेंट कोई ड्रग्स ले रहा है जैसे कि एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को प्रेसिपिटेट करेगा। एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा तो जेंथिन का लेवल बढ़ेगा। थायजाइड क्या करता है, थायजाइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस का भी कारण था और कैल्शियम मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन कम कराता है, ठीक है। और साथ में यूरिनरी डायवर्सन देखने के लिए मिल सकता है, यूरिनरी डायवर्सन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, देयर इज स्टेसिस इन्फेक्शन, और साथ में वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है, या तो फिर मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी डिजीज है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन स्टेसिस है, या फिर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज पुलिस स्टेशन मैप, पुलिस स्टेशन मैप निमोनिक है किसके लिए, पुलिस स्टेशन स्टैंड करता है प्रोटियस
सुडोमोनास एंड स्टेफालोकोकस के लिए, ठीक है ना। और मैप स्टैंड करता है किसके लिए, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के लिए। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है किसे, सुडोमोनास से, प्रोटियस से और स्टेफालोकोकस से, तो इनके पास इंट्रिंसिक यूरियस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी रहता है, तो ये यूरिया को स्प्लिट कर देते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर एक बार अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया तो वो यूरिन को अल्कलाइन बना देगा, और अल्कलाइन यूरिन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट विच इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रोबाइट स्टोन। याद रहे क्वेश्चन में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिखा हुआ है तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है यूटीआई के लिए दैट इज इकोलाई, ठीक है ना। जब तक कि वहाँ पे इन तीनों ऑर्गेनिज्म में से किसी का बात नहीं कर रखा है तब तक हम लोग मैप पे टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन लिखा है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि स्ट्रोबाइट स्टोन फॉर्म होगा ही होगा। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोटियस, स्यूडोमोनास और स्टेफेलोकोकस के बारे में लिखा है तभी वहाँ पे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया, पहले हम लोगों ने एंजाइम डिसऑर्डर में प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल यूरिया पर बात किया था। तो वहाँ पर मैंने प्राइमरी वर्ड इसलिए यूज़ करा था क्योंकि वहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे में ही दिक्कत था, जो एंजाइम था उसमें डिफिशियंसी हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पे वर्ड सेकेंडरी लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, क्या हाइपर ऑक्सिलूरिया जो ऑक्सिलेट का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो क्या क्या अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो सकता है, जैसे कि स्मॉल बॉवेल रिसेक्शन, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस एंड जुजेनल बाईपास, इन सब कंडीशन में ऑक्सिलेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, अगर हम लोगों ने रिसेक्शन किया हुआ है, ठीक है ना, अगर हम लोगों ने जुजेनल बाईपास किया हुआ है तो जो बाइल सॉल्ट है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, कोलोनिक म्यूकोसा पे पहुँच जाएगा और क्या करेगा, उसका परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। और एक बार अगर कोलोनिक म्यूकोसा का परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो गया तो वहाँ से ऑक्सिलेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो गया है, वहाँ पे अच्छे से बाइल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो एक्सेस फैट हमें देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे इंटेस्टिन में, और ये एक्सेस फैट क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, और अगर ये कैल्शियम को बाइंड कर लेगा तो बच कौन गया, ऑक्सिलेट, और अगर एक बार ऑक्सिलेट फ्री हो जाएगा तो फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह से जो ऑक्सिलेट का कंसंट्रेशन है वो हमें इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, और इस तरह से हमें कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से टोटल मैंने यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट पे बात किया और हर एक पॉइंट से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया क्या कैसे डिफरेंट टाइप के स्टोन का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट पे बात किया, इडियोपैथिक कैल्शियम यूरोलिथियासिस, हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर, रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम, एंजाइम डिसऑर्डर, अदर फैक्टर, यूरिक एसिड लिथियासिस एंड सेकेंडरी यूरोलिथियासिस। दिस इज ऑल अबाउट योर एटियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन। थैंक यू।